डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये मीन्स ये जैसे ये हमारा एक स्क्वायर हुआ ए बी सी डी, और इसका एक साइड जो है वो ये 15 मीटर का साइड है, और यहाँ ए पॉइंट पे एक हॉर्स को टाई किया गया है। वो जो जिस रोप से उसे टाई किया गया है, उस रोप की का लेंथ है 5 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब वो एरिया जिसको हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो हॉर्स तो ये जो इसकी 5 मीटर लेंथ है, इसी एरिया को ग्रेज करेगा। तो पहले में हम ये क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे स्क्वायर का साइड 15 मीटर है, और यहाँ पे ये जो हमारा ये शेप बन रहा है, ये एरिया का क्वाड्रेंट बन रहा है, सर्कल सर्कल का। ये जैसे कि सर्कल होता है, और उसका ये एक पार्ट, ये पोर्शन जो हुआ, ये क्वाड्रेंट हुआ। तो ये वही चीज यहाँ पे बन रहा है। ये जो ऐसे हमारा बन रहा है, यही ये यहाँ पर रहा है, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल से फोर्स, एरिया ऑफ सर्कल को फोर्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा रेडियस क्या हो गया, 5 मीटर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एरिया, और उसको हम फोर्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। नाउ यहाँ पाई का वैल्यू हमें 3.14 पुट करना है। सो पाई 3.14, और आर हमारा कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडिंग 4। देयरफॉर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 78.5 डिवाइडिंग 4। नाउ द आंसर इज 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये पोर्शन जो होगा, इसी पोर्शन को हमारा हॉर्स क्या करेगा, इस एरिया को ग्रेज कर सकता है, क्योंकि इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर ही लेंथ की है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब ये 5 मीटर को बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया है, तो वो जो एरिया हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ। तो अब हम यहाँ पे रेडियस का वैल्यू, सेकेंड केस के लिए रेडियस का वैल्यू 10 मीटर ले लेते हैं, और सेम जैसे हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो नाउ यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे 10, तो पाई इज 3.14 और 10 का स्क्वायर बाय 4। कैलकुलेट जब हम इसे करेंगे, 3.14 इंटू 100 बाय 4, तो हमारा आंसर होगा 314 डिवाइडिंग 4 इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा 10 मीटर लॉन्ग का ये एरिया आया, लेकिन हमें इंक्रीजिंग एरिया पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। तो जो ये हमारा सेकेंड केस हुआ, उसमें से हम फर्स्ट केस को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस, फर्स्ट केस में हमारा आया है 19.625 मीटर स्क्वायर। हम सेकेंड केस से फर्स्ट केस को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया। नाउ मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 9, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ब्रूच है जो सर्कल के शेप में है, और इसका डायमीटर जो है वो 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। मतलब ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमारा ऐसा 5 डायमीटर इस सर्कल में यूज हुआ है। यहाँ 5 डायमीटर इस सर्कल को डिवाइड किया है, तो ये 5 डायमीटर इस सर्कल को 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसे बनाने में, इस ब्रूच को बनाने में कितने सिल्वर वायर का यूज हुआ है, वो हमें लेंथ निकालना है उस सिल्वर वायर का। और सेकंड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का कितना एरिया होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सिल्वर वायर का लेंथ निकालने के लिए, सबसे पहले हम ये पूरा, ये सर्कल भी सिल्वर वायर का बना है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हियर हमारा आर क्या हो जाएगा, जब डायमीटर 35 mm है तो हम क्या कर देंगे, आर इज 35/2। तो नाउ पुट द वैल्यू 2 × 22/7 इंटू 35/2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110 mm। ये हमारा सर्कमफेरेंस का आ गया, और डायमीटर हमें पता ही है कि वो डायमीटर कितना है, 35 mm। तो डायमीटर कितने हैं, 5 हैं, तो टोटल डायमीटर कितने हो जाएंगे, 5 × 35, 5 × 35 इज 175 mm। नाउ द हमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज करना है, तो हम अब क्या करेंगे कि टोटल लेंथ के लिए, सिल्वर वायर के टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये जो दोनों हमारा एक सर्कमफेरेंस और डायमीटर दोनों आया, इसको ऐड कर लेंगे। 110 + 175 इज इक्वल टू 285 mm। ये फर्स्ट का हमारा लेंथ आ गया वायर का। अब हमारा ये सेकंड में कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो हम ये पूरा सर्कल का एरिया जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होगा, और ये कितना है सेक्टर में, ये डिवाइड हो जा रहा है 10 सेक्टर में। तो सिंपल हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसको पाई आर स्क्वायर, और उसे फिर हम 1/10 मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ईच सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। नाउ 1/10 × 22/7 × 35/2 × 35/2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 2 = 10, अब ये हमारा जाएगा नहीं, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 11 × 35/4 इज इक्वल टू 385/4 mm². तो ये हमारा हर एक सेक्टर का एरिया आ गया, ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।